टी20 वर्ल्ड कप से रिंकू सिंह बाहर, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिलेगी एंट्री। इन दिनों आईपीएल 2024 चल रहा है। इस टूर्नामेंट से हर खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की करना चाहता है, लेकिन बता दें कि एक भारतीय खिलाड़ी है जो टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का एक्स फैक्टर साबित हो सकता था, लेकिन वो अब रेस से बाहर हो गया है। इस खिलाड़ी को चोट लग गई है और इसका वर्ल्ड कप खेलना भी फंस सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, जिन्हें आईपीएल में चोट लग गई है और उनके वर्ल्ड कप खेलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्या टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं। रिंकू सिंह को बीच आईपीएल लगी चोट। रिंकू सिंह जितनी दफा मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरे उतनी ही बार उन्होंने फैंस का दिल जीता है। आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रिंकू नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए उतरे थे। उन्होंने 9 गेंदों में एक चौका और 2 छक्कों की मदद से 20 रनों की पारी खेली। केकेआर के फिनिशर ने खुलासा करते हुए बताया कि इंजरी के बावजूद वह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे थे। इंजरी के चलते रिंकू फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे। बैटिंग के बाद रिंकू डगआउट में ही बैठे रहे और उनकी जगह वैभव अरोड़ा ने सब्स्टिट्यूट के रूप में फील्डिंग की थी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या रिंकू सिंह को आईपीएल 2024 के दौरान ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उनका वर्ल्ड कप भी मिस हो सकता है। तो इस पर रिंकू सिंह ने ही एक बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि रिंकू ने अगले मैच में फील्डिंग करने को लेकर पूरा भरोसा दिया है। रिंकू को उम्मीद है कि वह अगले मैच में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, जिससे वह बैटिंग के अलावा फील्डिंग पर भी अपना योगदान दे सकेंगे। केकेआर के फील्डिंग कोच ने भी रिंकू की इंजरी को कंफर्म किया था। कोलकाता के फील्डिंग कोच का कहना है कि रिंकू को साइड में हल्की चोट है, वह पूरी तरह फिट नहीं है और हम उन्हें कुछ आराम देना चाहते हैं। एक बार वह पूरी तरह फिट हो जाएं, तो वह मैदान पर फील्डिंग के रूप में वापस आ जाएंगे। अगर रिंकू नहीं रहे फिट तो रियान पराग को मिलेगा मौका। रियान पराग आईपीएल 2024 में अलग ही क्लास में बैटिंग कर रहे हैं। वह लगातार ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले रियान पराग सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब पराग का यह फॉर्म उन्हें टीम इंडिया की जर्सी दिला सकता है। सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों पर वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर खास नजर बनाए रखे हैं। इसी बीच पराग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने हाल ही में वर्ल्ड कप के मद्देनजर एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और रोहित शर्मा शामिल थे। मीटिंग में रियान पराग को लेकर भी चर्चा हुई। कहा गया कि रियान पराग वर्ल्ड कप की स्कीम में शामिल है। ऐसे में तो यह साफ दिख रहा है कि आईपीएल 2024 में रियान का शानदार फॉर्म उन्हें टीम इंडिया की जर्सी दिला सकता है। रियान पराग को जून से अमेरिका और कैरिबियाई देशों में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि रियान पराग आईपीएल के मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वह सिर्फ विराट कोहली के नीचे हैं। रियान पराग ने 7 मैच खेले हैं, जिनकी 7 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 63.60 की शानदार औसत और 161.42 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 318 रन बना लिए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।